सबसे पहले जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, उसे हम राम राम कहते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तब भी हम राम कहते हैं। जब हम श्रम करके थक जाते हैं तब भी राम की बात करते हैं। सो उठते हैं तब राम, सोने के पहले राम। और फिर हमारे गांव में ये परंपरा ही रही है, अब फसल आने को है, खलिहान में इकट्ठा होगा धान, यदि नापेंगे काठा में तो एक से शुरू नहीं करते, एक नहीं करते, हम राम कहते हैं। उसके बाद दो, फिर 20 तक जाता तो एक खंडी होता है। हमारे काम की शुरुआत ही राम से, और फिर गांव में राम कोठियां, ये हमारी परंपरा है। बड़े बड़े गांव में यहां देखेंगे राम कोठी। राम कोठी क्यों? यदि अकाल पड़ जाए, दुष्काल पड़ जाए, उसी राम कोठी के धान को हम लोग गांव भर वितरित करते हैं। यदि किसी घर में परेशानी आ गई, संकट आ गया, उसके घर में खाने के नहीं है, तो उसी राम कोठी में से निकाल के देते हैं, गांव में राम कोठी। ये हमारी अपनी परंपरा। और फिर राम की बात चली तो हमारे जिस प्रकार से 24 दिन बताया, यहां माता कौशल्या की मायके और फिर चंदखुरी गांव में उनका मंदिर, शिवरी नारायण चल दीजिए भगवान वहां विराजे हैं, वही बगल में बगल के गांव में सबरी के मंदिर जहां राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, वही खरौद है जो खरदूषण की राजधानी, वही तुरतुरिया जहां वाल्मीकि का आश्रम था, जिसमें सीता माता को जब निकाल वन गमन हुआ था उनका, तो यही लवकुश का जन्म हुआ था। यहां लक्ष्मण के मंदिर जो हजारों साल पुराने, तो हमारे यहां राम ननिहाल होने के साथ साथ यदि रामायण काल में देखें तो 12 में से 10 साल तो हमारी छत्तीसगढ़ में गुजारे। तो राम के बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं, हमारे जनजीवन में व्याप्त है, हमारी संस्कृति में है। हम लोग बचपन में, मैं बहुत लोगों से पूछ भी रहा था, आज जब हम लोग पद यात्रा में थे, गांधी जी के यात्रा में भोजन कर रहे थे, उस समय पूछा मैं, इस गीत को जानते हो? तो बोले हाँ सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं हो जो बचपन में इस गीत को ना गाया हो। मुझे भी मुखाग्र याद है, अटकन बटकन दही चटाकन लोहा लाटा बन में काटा सावन में करेला फूटे चल चल बेटा बिटवा गंगा जाबो गंगा ले दो दावरी पाका पाका बेल खावो बेल के डारा टूट गए भरे कटोरा फूट गए भरे डाटा छूट गए। लेकिन अर्थ मैं बहुत लोगों से पूछ लिया, कोई बताया नहीं, लेकिन ये गीत सबके दिमाग में क्यों है, सबके जहन सबके यादों में क्यों है? वो इसलिए ये गीत जुड़ा हुआ है माता सीता से। एक पुस्तक है डॉक्टर मन्नूलाल जी यदु, उन्होंने इसका अर्थ लिखा है, अटकन बटकन मतलब दंडक वन में अटक गए भटक गए लोहा लाटा दही चटाका वन में काटा, वन इतना सघन है क्या इमली आम बेर के वृक्ष जो चटखारे और खट्टे थे, बेल और बबूल की झाड़ियां जिससे स्पर्श से खून निकल जाता है, हाथ यदि चिपक जाए, यहां बबूल के भी झाड़ बहुत हैं, उसके काटे बहुत हैं, तीखे होते हैं नुकीले होते हैं, यदि लग जाए हाथ में चिपक जाए तो खून निकल आता है। साल के और बबूल में लाशा भी है, सावन की महिमा
प्रीतम से मिलने का होता है, लेकिन ऐसे माह में करेला का फूलना प्रीतम की कड़वाहट का प्रतीक। सीता जी इन परिस्थितियों में व्यथित होकर कहती है अपने बेटों से, यहां से गंगा और गंगा के से गोदावरी दंतारण्य क्षेत्र में वहां बेल के वृक्ष बहुत हैं, अर्थात वह सी जी का क्षेत्र है, वहां जाकर पक्के पक्के बेल खाएंगे, किंतु बेल की डाली बहुत मजबूत होती है, वह भी टूट गया और ब्याहता पति के साथ छूट गया और भरने का कटोरा अर्थात धान का कटोरा भी फूट गया। ये प्रतीक के रूप में मन्नूलाल यदु जी ने लिखा है, हालांकि इस गीत को हम लोग सब जानते हैं।